subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर किसी भी प्रकार के हार्ट की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं या लगता है कि फ्यूचर में जूझ सकते हैं, आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो चांसेज होते हैं कि आनुवांशिक रूप से आपको भी हो, तो पहले से ही आपको अलसी का सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए। कैसे इसका सेवन करना है, कितनी मात्रा में करना है, पूर्णतः हम इस एपिसोड के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए पूरा एपिसोड आप सभी जरूर देखें, क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अलसी का सेवन आप हार्ट की बीमारी में कैसे करेंगे। ये जान लीजिए कि हार्ट अटैक से दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है, इसीलिए ये घातक बीमारी है। अलसी के बीज कई हृदय स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो कि आपको कई दिल की बीमारियों से दूर रख करके आपको सुरक्षित रखती है। यह मोनो अनसेचुरेटेड और पाली अनसेचुरेटेड वसा सहित ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये तीनों चीज़ें होनी ही चाहिए। छोटे भूरे रंग के इन बीजों में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और इसे नुकसान से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्तचाप को कम करने, सूजन को कम करने और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाला लिंगन दिल को एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनियों की सख्तता से बचाता है और उसमें प्लेक की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा फ्लेक्स सीड्स में मौजूद उच्च फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और रक्त में अच्छा कोलेस्ट्रॉल या फिर जिसे आप एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको बढ़ाता है। इसके अलावा अलसी धमनियों में प्लाक के निर्माण को कम करके हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है। यह धमनियों में सूजन को भी कम करता है तथा धमनियों का सुचारू रूप से कार्य कराने लगता है और आपकी धमनियां सही ढंग से कार्य करने लगती हैं अगर इसका सेवन करते हैं तो। स्वस्थ हृदय पाने के लिए अपने दैनिक आहार में पीसे हुए अलसी के बीज को शामिल कर सकते हैं, या फिर उपयोग करने के तरीके के बारे में बात करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रात को एक चम्मच अलसी का बीज भिगो दीजिए पानी में, सुबह उठ करके बीजों को चबा चबा करके खा लीजिए और ऊपर से सिप सिप करके वो पानी पी लीजिए। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, एक गिलास में भिगो लीजिए और सुबह आपको इसका सेवन करना है। आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप अलसी के अन्य उपयोगों के बारे में जानते हैं कि अगर ऐसे सेवन करते हैं तो कितना फायदेमंद होगा आपके लिए, तो आप अलसी के फायदे नुकसान वाले एपिसोड को जरूर देखें। एक बड़ा एपिसोड है, उसमें जानकारी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप अलसी के पूर्णतः उपयोग के बारे में, किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये पूर्णतः जानना चाहते हैं तो उस एपिसोड को जरूर देखें। बड़ा एपिसोड है, लेकिन हम शर्तिया कहते हैं कि आपको एक कमाल की नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, जिसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को छोटा करने के लिए ही हमने पार्टिकुलर हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए बनाया हुआ है, इसीलिए इसमें इतनी ही जानकारी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है और पूर्णतः जानना चाहते हैं अलसी के बारे में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस एपिसोड को जरूर देखें। ये वीडियो आज की रही आप सभी के लिए, जो कि अलसी से कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट की हर तरह की बीमारी को, इससे रिलेटेड रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई जानकारी लेकर के आएं, नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई